मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री को लात मार के बाहर करना चाहिए था, और मुख्यमंत्री ने आज ये बात सिद्ध कर दी है। इनके नेता, इनके अधिकारी चाहे चोरी करो, चाहे जारी करो, चाहे कितने उल्टे काम करो, ये लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं करें। कि पुलिस जो खुलेआम रिश्वत हरियाणा के अंदर लेने लग रही है, मैं अनिल विज को कई बार मैंने चैलेंज किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर मैंने एक थाना ऐसा दिखा दो जिसमें पैसे ना चालते हो भाई साहब। मैं तो कहूँगा कि ये ऊनी बाबाओं की तरह है जो जासम लेके महिलाओं का रेप करते हैं, इसने जासम लेके खूब गलत काम करे यार। मैं तो कहूँ भाई साहब ऐसे आदमी का तो गोली मार देनी चाहिए। मैं तो कहूँ खट्टर साहब और नाश हो लिया। मनन लगा है ये बीजेपी जेजेपी के नेता जो है ना इसी प्रकार के एक बुंडे काम करें, इसलिए ये उसको हटाने की बात कौन करें। अरे लेकिन साची बोलांगे, इसीलिए पहले दिन से मैं उस बेबे के पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि उस बेबे की जब मैंने उसकी वीडियो सुनी भगवान कसम वो पहले दिन की वीडियो उस बेबे की सुन लो, एक एक शब्द उसके साची हैं, एक एक बात उसकी साची है। मैं उस बेबे का नेम करना तैयार हूँ कि उस बेबे से इतनी गलत काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके शब्द साचे हम बोल तो ये तो आपके इशार में ही देख ले, दूर ना जावा है। इनकी नेता खुद की नेता टपका दिए इन्होंने, हम किलकी मार मार के रह गए। 5-6 बीजेपी के नेता शामिल है, 5-6 बीजेपी का नेता शामिल है। सीबीआई नु कहो है ना मारी तो दोनों ने सोनाली फोगाट है, और फिर बोला पक्की मारी है। अरे किसके कहने तो मारी है? बोले वो कौन मेरा किसके कहने तो मारी है। मैं तो पूरी जनता तेन कहूँ भाई देखो बात सुन लो, बाण बेटी को छेड़ने वाला विधायक भी उतना ही दोषी है, मंत्री भी उतना ही दोषी, जितने उसको सपोर्ट करने वाले नेता दोषी हैं, सारे के सारे दोषी हैं। एकला संदीप सिंह दोषी नहीं है, सारा का जाड़ा लगाओ। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आपके अपने चैनल पर, और एक चेहरा फ्रेम में देखने लग रहे हो, शायद परिचय कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ये गर्जन का काम करे सोशल मीडिया की जब बात करी जाए, और फिर हंसी निशार का जिक्र आवा है तो भाई मनोज राठी को कौन नहीं जानता। इस वक्त मेरे साथ मनोज राठी जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो भाई आज चर्चा करांगे, एक बड़ा चर्चित मुद्दा है संदीप सिंह और एक महिला खिलाड़ी का जो मामला चला हुआ, उसके ऊपर विशेष चर्चा के लिए स्पेशल भाई साहब के पास पहुंचे हैं मनोज राठी जी के पास। मनोज जी मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा इसके ऊपर, मनोज राठी क्या मानते हैं इस मामले को लेकर के, जो आज संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो पहले दिन से ही एक बात कह दिया है, ऐसे लोगों की जगह जनता में नहीं जेल में होनी चाहिए जी। मैं पहले दिन तक मांग करता हूँ सरकार से कि संदीप सिंह को तुरंत मंत्री पद से हटा के, अरे भाई भीतर ठोको। मैं बार बार सवाल करता आया हूँ, मैं बार बार पूछूँ, एक देश है दो कानून क्यों है? एक वीआईपी लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए, और एक बाकी सब के लिए भाई साहब है। मैं बार बार पूछूं ये बात है भाई, ये कानून दो क्यों है इस देश के अंदर, जबकि सारे नेता कहो है जी एक कानून है जी, एक सब बर्ताव है सबके साथ। तो संदीप सिंह के सामने उदाहरण है, ऐसे लाखों उदाहरण है जो नेताओं के लिए अलग ट्रीटमेंट है पुलिस का, और आम लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट है। मेरा तो जनता से सवाल है, मेरा सारी दुनिया से सवाल है, मेरा तो आपसे भी सवाल है कि एक आम आदमी के खिलाफ यो ही मुकदमा दर्ज होता तो क्या उसको घर छोड़ती पुलिस? पुलिस आंदी उसका घर कान ठा ले जाती, वो नहीं पाता तो तूफान मचा देंदे, सारा गांव ने बेरा पड़ जाता, 20 गाड़ी आंदी बांस देंगे मार देंगे उसका मोर बना देंदे। मैं कहना चाहूँ जब पुलिस से आप दो कानून बनवाते हो तो पुलिस फिर अपनी मर्जी से दो कानून बना लेती है। इब तो नेता बनाने लाग रहे हैं। अस्तित्व तो देखो सुनो, मैं बताऊँ पूरी बात सुनो, ई पुलिस से नेता दो कानून बनवा रहे हैं भाई, हमारे लिए न्यारे हैं जी, वीआईपी ट्रीटमेंट है, आम जनता के लिए अलग है। जब पुलिस को मौका मिलता है तो पुलिस भी दो कानून बना ले है, रपिये दे दो कि मैं को नहीं कहूँ, रपिये ना दोगे बात सांगे। इसीलिए मैं बार बार सरकार ने एक बात कहता हूँ कि पुलिस जो खुलेआम रिश्वत हरियाणा के अंदर लेने लग रही है, मैं अनिल विज को कई बार मैंने चैलेंज किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर मैंने एक थाना ऐसा दिखा दो जिसमें पैसे ना चालते हो भाई साहब, एक थानेदार मैंने ऐसा दिखा दो जो थाने में बैठे और रपीना लेंदा हो, कोई ईमानदार अधिकारी है उसने बेचारा लगन कौन दे, उसने ठाके फेंक दें लाइन लू इनमें, और जो आपने बेराया है घपलेबाजी करेगा वो थाना में पाओगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी बिगाड़न में नेता
गांव का हाथ है। आज पुलिस वाला नू मेरा खट्टर साहब भाई संदीप सिंह ने कोनी पकड़न दे, तड़के पुलिस वाले क्या करेंगे, अपने दूसरा दौरा पीछे लेके छोड़ देंगे, जा भाई आंडा जा धक्के खाता, न्याय कड़ा मिलेगा आदमी, न्याय मिलेगा ही कोनी। इसीलिए हम इस मुद्दे को उठान लाग रहे हैं, जो एक कहानी नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। इसीलिए बार बार मैं कहूँ कि संदीप सिंह का तुरंत इस्तीफा कराओ और तुरंत उसको उठा के जेल में डालो, और निर्दोष है तो कोर्ट में बच जाएगा। जब हमारे लिए सरकार हमेशा कहा जब विपक्ष पर कोई मुकदमा लाग जा, विपक्ष पर कोई मामला हो जाए, हमने ठाके भीतर घेर दे, तो मार खातर तो नेता सत्ता पक्ष वाला आके नू कहे, बोला निर्दोष होगा तो कोर्ट में बच जाएगा। आज मैं यह बात कहूँ, अगर संदीप सिंह निर्दोष है तो कोर्ट में बच जाएगा भाई साहब, खट्टर साहब ने भाई ठाके भीतर तो करागन तो सरकार कोर्ट कर देगी। नहीं इस्तीफा ले लिया गया हर और न्यू कहा है, संदीप का अपना बयान भी सुनेगा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। और उसके अगर मैं बात करूं, बहुत सी वीडियो भी वायरल करवाई जाने लग रही है खिलाड़ियों पर या फिर महिला खिलाड़ियों पर, भाई संदीप सिंह का व्यवहार अच्छा रहा है, आपने ये भी देखी होगी। ऐसे है, सुनो मैं बताऊँ, संदीप सिंह न खुद विभाग छोड़ दिया है, उसने तो संविधान भी एक ओर ने ठाके दर दिया, कानून भी एक ओर ने ठाके दर दिया, बोला जी मैं अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंपता हूँ। अरे तू तो कौन है सौंपने वाला, तो संविधान में ही नहीं है कोई कहानी, और कोई आधिकारिक रूप तो आज तक सौंपया नहीं है। ये बात देखने की, सोचने की, समझने की है कि इस प्रकार की बात करते हैं नेता, बोले जी मैं अपना विभाग सौंपूँ, क्या मतलब है इस बात का, कुकर सोप है। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री को लात मार के बार करना चाहिए था, और मुख्यमंत्री ने आज ये बात सिद्ध कर दी है, इनके नेता इनके अधिकारी चाहे चोरी करो चाहे जारी करो चाहे कितने उल्टे काम करो, ये लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं करें। मैं बार बार हरियाणा प्रदेश की एक जनता को एक बात बताना चाहूँ, इस प्रकार की खुली छूट आम आदमियों की जीर्णन छोड़ेगी, आम आदमियों की बहन बेटी तड़के सड़क पर लिकट दानी चार बस सोचेगी भाई साहब। इस प्रकार की खुली छूट एक मुख्यमंत्री द्वारा, एक मंत्रियों द्वारा जो खुली छूट दी जाने लग रही है ना, आने वाले समय में बड़ी खतरनाक होगी। इसीलिए हम बार बार कहा कि भाई इसने भीतर ठो जाँच कर दानी, कितना टाइम लगे भाई, आम आदमी की जांच तो 24 घंटा में हो गया और 24 घंटा में भीतर है। जांच में भी एक मोड़ आया, कल देखे होगा आपने, जांच करते वक्त जो कपड़े फटे हुए कपड़े ना वो भी बरामद कर लिए गए हैं कल संदीप के खिलाफ में, एक मतलब बड़ा सबूत यू भी मिला कल। अरे भाई सीसीटीवी कैमरा की डीवीडीआर ले गए, बोला जी डीवीडीआर लेके मेरा डिलीट कर दिया उसने, कितने महीने पहले की बात है। और भी कई कहानियां हैं, फोन कॉल डिटेल रही रे, कटवाओ और पकड़ो उठा के भीतर करो। सबको पता है, सभी नेताओं को पता है और सारे अधिकारियों को पता है, भाई इस बात कर रखी है, उसने सच्चाई एक बताई है उस बेबे के सामने कि मैंने और कईयां की तरक्की करी है, इसका मतलब बहुत बात कर रहा है। हर लड़की नहीं बोल सकती, लड़कियां की बेचारा की मजबूरी हो है, गरीब घर से कोई बालक सोचा बड़ी मुश्किल तक नौकरी मिली है, बड़ी मुश्किल तक कामयाबी मिली है, ईबतान सेती बड़ा बड़ा चौधरी सेती खब्बी करे तना बार मारेंगे ठाकी, और बार मारे भी है भाई साहब। कोई गरीब घर का बालक बोल जाने नेता उसने रगड़ की छोड़ना है, खड़ेगा कौन छोड़ना है। और ये तो इतिहास में दर्ज है बातें, तो मैं अपना अनेकों उदाहरण ऐसे दिवा दूँ, तो इस केस में भी खूब गलत काम कर रखा है। मैं तो कहूँगा कि ये ऊनी बाबाओं की तरह है जो जासम लेके महिलाओं का रेप करते हैं, इसने जासम लेके खूब गलत काम करे। यार मैं तो कहूँ भाई साहब ऐसे आदमी का तो गोली मार देनी चाहिए, ये तो भीतरे को नहीं करने लग रही इसने। और भीतर छोड़, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिवाए, विभाग छोड़ने का क्या मतलब है, मंत्री तो है, पावर तो आज है, आज थानेदार उसकी इंक्वायरी करने जावे वो थानेदार उसका आगे सलूट मारे, घंटों की इंक्वायरी करेगा। मैं तो कहूँ खट्टर साहब और का नाश हो लिया, नाश हो लिया। और मनन लगा है ये बीजेपी और जेजेपी के नेता जो है ना इसी प्रकार के एक बुंडे काम करें, इसलिए ये उसको हटाने की बात कौन करें। अरे दुष्यंत चौटाला ना शर्म को नहीं आवे, मैं उससे बार बार पूछूं, मैं सरकार चलवाने लग रहा है, सरकार में डिप्टी सीएम है, वो एक दिन भी उस लड़की के पक्ष में को नहीं बोलिया। और जब तोतली बला जाए यो विपक्ष में होता तो कूद कूद की पढ़ा रही हो सबसे पहले, क्यों भाई सीम दिया मुँह कोई तेरा, कोई मुँह सीम दिया के क्यों नहीं बोलन लग रहा कि हटाओ इसको, एक शब्द नहीं बोलिया बंदा, क्यों नहीं बोलन लग रहा। सच्चाई यह है कि भाई उसड़ा भाई वो नकली वकील है ना, वकील साहब है, सवेरे लिख रहे जोड़ा ठाकी,
सन इतना बड़ा भरकी लिया है और थूक लगा लगा कि बाबू बेटा माँ सारे गिने रात ने करा रपिए भाई साहब अरे रपिए कमाओ बोरी की बोरी भर भर के लिया बैरी की आठ लूट की खा गए हरियाणा ने। इसीलिए भाई साहब बोलने को नहीं गूंगा गुड़ खा के बैठे हैं दोनों के दोनों भाई। करोड़ा होना शुरू हो गया चाहे छोटे छोटे चुनाव की अगर बात करें बरवाड़ा एक चुनाव मैं करोड़ा को नहीं ये सारे नाटक चल रहे हैं मैं बताऊँ ये के हैं और ना माड़ खचन का मतलब है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारे यड़बाद करवाई जावे ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार कहूँ दुष्यंत चौटाला उनका पक्का पिट्ठू है। अरे भाई साहब सारे पक्के पिट्ठू हैं तो बीजेपी के क्षेत्री थे हैं एक ही कहानी है को अलग को नहीं ये तो नाटकबाजी करने लग रहे हैं भाई साहब है। अरे नाटक यो नाटक सिर्फ जनता इलाज कर सके है भाई साहब हरियाणा तो लूट लूट कर अमरीका में जाके प्रॉपर्टी खरीदें और ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदें दिल्ली में फार्म हाउस क्यों भाई इसकी माँ दहेज में ले आई थी कि मैं तो दुष्यंत चौटाला ने पूछू तेरी माँ दहेज में ले आई थी ये यो इतना माड़ पहली बार हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला की माता जी जो है दहेज में ले आई को नहीं दहेज आपका भाई अन देखे अरबपति बना दिए सारे के सारे इसके भाई अरबपति हो गए को सौदा कौन था पहले उनका। तो इसका मतलब ये है कि एक दोनों हाथों से माड़ लूटने का काम करते हैं और फिर पब्लिक में जाके झूठ बोले 5135 कर देंगे वोट हमने दे दो भाई उन्होंने खाकड़ा ने फिर लूटेंगे तो हमने ये कोनी बख्श है सागी भाई ने भी ये तो रगड़ा है रगड़ा है ना तो माल चाहिए अपना घर पूरा बनता मतलब चाहिए। इसीलिए संदीप सिंह के खिलाफ बोलने को लग रहा संदीप सिंह के खिलाफ नहीं बोलने का मुख्य कारण दुष्यंत का यही है कि उसने रुपये कमाने से मतलब है धन इकट्ठा करने से मतलब है उसने किसी तक कोई लेना देना को नहीं और फिर आ जाएगा फिर आंदा नहीं होगा दमना पाल भेजूंगा बीजेपी वालों को वोट मुझे दो। अरे भाई हमने बेरा है तू दमना पाल को नहीं तू तेला घर ले बड़ा बीजेपी वाला ने तड़का तेरी 5-10 आ गई तो अन की आंदा फिर वो हमने बना दो मुख्यमंत्री जी अन तो रपिए चाहिए मुख्यमंत्री वाली सीट चाहिए मंत्री वाली सीट चाहिए। इसीलिए मैं प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाहूँ हूँ कि ये सही बोलनी मरवा भी दे हैं धमकियाँ मार दो रोज बतेरी आवे हैं लेकिन हमने एक बात कह रखी भाई दो बार थोड़ी मरना एक बार मरना बेशक मार दे लेकिन साची बोलांगे। इसीलिए पहले दिन से मैं उस बेबे के पक्ष में खड़ा हूँ क्योंकि उस बेबे की जब मैंने उसकी वीडियो सुनी भगवान कसम वो पहले दिन की वीडियो उस बेबे की सुन लो एक एक शब्द उसके साची हैं एक एक बात उसकी साची है। मैं उस बेबे का नेम करना तैयार हूँ कि उस बेबे से इतनी गलत काम हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि उसके शब्द साचे हम बोले हाँ के अरे हमारे गाँव में अनपढ़ तनपढ़ आदमी ने वीडियो सुना दी वो भी नुका देगा छोरी साची बोला है पंचायतम फैसले हुए हैं पंचायतम बात पकड़ के हमारे बुजुर्ग फैसला करते आए हैं बात पकड़ के चेहरा देख के नु बता दे हमारे बुजुर्ग ये झूठा बोला है साची बोला है। अरे उनका एक खून आ तो थोड़ी बहुत तो सिखांगे हम भी आपने बताया कि मैं उसके पक्ष में हूँ लड़की के पक्ष में मतलब महिला कोच की पक्ष की आपकी बात न करी लेकिन संदीप जो खेल मंत्री है उसके पक्ष में महिलाएं खिलाड़ी या फिर किसी स्टेडियम की बात करें तो अलग अलग वीडियो जारी करवाई जाने लग रही उसके पीछे सारी बात मेरे कहने कुआ है तू अरे मंत्री है वो कि मैं भी करवा सके है किसी ने नौकरी का लालच दे रहा है किसी ने गेम में फर्स्ट लेने का लालच दे रहा है हमारा देश का कर बेड़ा कर तो उन्होंने कर रखा है भाई साहब जय हमारे देश में फेयर काम हो और सारी खिलाड़ी आने विदेशों डाल सुविधा मिले अरे हमारा देश तो एकला हरियाणा अमेरिका इतने मेडल जीत लिया होगा ओलंपिक में भाई साहब सौदा है को नहीं जितनी ताकत हमारे अंदर है जितनी प्रतिभा हरियाणा के लोगों के अंदर है जितनी प्रतिभा भारत देश के लोगों के पास है ना भाई साहब दुनिया में आंडिया कड़े को नहीं वैज्ञानिक मारे टॉप के जिस देश में वैज्ञानिक मारे जाओ वो देश चढ़ जाता है साइंटिस्ट मारे सब तो ऊपर डॉक्टर मारे सब तो ऊपर कमी की है मार दौर है अरे मार दौर तो सब कुछ है मार दौर तो ये चोर नेता जो हैं ये बैठे हैं सही आदमी का नाम भी को नहीं आने दिया अगला पास है बढ़िया प्लेयर बढ़िया खिलाड़ी के साथ धोखा करें महिलाओं के साथ इस प्रकार की बात करें ये और जो खिलाड़ी छोरे बसुतरे खेलें उनका नंबर काट के नेताओं के बड़का के नाम लिस्ट में आ जाए हैं भाई साहब फर्जी सर्टिफिकेट ये सोचे हैं कि अपने सिफारसी लोगों को आगे बढ़ा के उनको नौकरी देना ये धंधा गोरख धंधा चल रहा है देश में जब तक ईमानदार को नेता नहीं बैठेगा नो चल लगा इस प्रकार के सुन लो मेरी बात मैं देश ने लूट की खा जाओ तुम लेकिन कम तक हमारी बहन बेटियां बन नजर बूंदी ना डालो या बहन बेटियां बन नजर बूंदी डालने वाली है ना या बर्दाश्त की शक्ति तबार है यो हिंदुस्तान उन वीरों का है जिन्होंने अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुगलों से खुलेआम लड़ाई लड़ी अपनी गर्दन कटवा ली लेकिन झुके कौन ही है
यो वो ही देश अंग्रेजा तो लड़ाई लड़ी अपनी बहन बेटियां की इज्जत बचाने खातर, तो ये दूसरे अंग्रेज आ गए तो भी लड़ाई लड़ांगे हमें। नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा बीजेपी का, अन्न के बेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, अन्न का कोई को छोरी छापरी किसी का हो तो बेरा पटे, मन्नू बता कौन से का छोरी छापरी है, मैंने एक आदमी का नाम गिना दे इनके चोरी चापरी। भाई साहब इनका कुछ नहीं है, इन्हें पता ही नहीं महिलाओं की इज्जत किस प्रकार करी जा रहा है, ये तो अपनी सार में ही देख ले, दूर ना जावे इनकी नेता खुद की नेता टपका दिए इन्हें, हम किल्की मार मार गिरा गिरा, 5-6 बीजेपी के नेता शामिल है, 5-6 बीजेपी का नेता शामिल है, CBI नु कहो है ना मारी तो अन दोनों ने सोनाली फोगाट है, और फिर बोला पक्की मारी है, अरे किसके गण तो मारी है, बोले वो कौन मेरा किसके गण तो मारी है, बचा लिए सारे के सारे। भाई साहब आर्य नगर में 13 साल की बच्ची की हत्या होगी, आज तक उसको न्याय नहीं मिला, आज तक कोई नू नहीं बता पाया कि इस छोरी को मारा किस आदमी ने है, या पुलिस है हरियाणा प्रदेश की या सरकार, एक भी नेता एक भी न धरना चला, उनके धरने पर कौन आया, सारा शहर सारा गांव कैंडल मार्च का डी शहर का में लाखों आदमी इकट्ठे हुए, एक नेता वहाँ आण जोगा को नहीं हुआ, क्यों भाई अनका बहन बेटी को नहीं तड़का, अनकी बहन बेटी के साथ यो कांड होगी हो जाएगा फिर, अरे छोटी बात नहीं ये नुमानत, हम तो राजा हो तारा तो कोई पुंजड़ बांगा कर नहीं सके, और देश ने मरने दो बेशक, मैं तो पूरी जनता तनु कहूँ भाई देखो बात सुन लो, बहन बेटी को छेड़ने वाला विधायक भी उतना ही दोषी है, मंत्री भी उतना ही दोषी, जितने उसको सपोर्ट करने वाले नेता दोषी हैं, सारे के सारे दोषी हैं, एकला संदीप सिंह दोषी नहीं है, सारा का जाड़ा लगाओ। 2024 में क्या इन मुद्दों को याद रखेगी जनता? 100% है भाई साहब, 100%। अरे याद को नहीं, अनकल लठ नहीं मारे मैं आड़े बैठे हूँ, अनका इलाज करेंगे माँ मैं बांगड़ मारेंगे खड़ा दुष्यंत चौटाला, ये कूद कूद की अपने गाड़ी में 50 सिक्योरिटी वाला रखा, मेरा बगा को झंडा दिखाओ काला उसका भी लठ मारे, अरे दुष्यंत चौटाला ने मार दो, वोट लिए मारे किसान पिटू पिटे, मन ने देखा भाई साहब नू कहता मालो 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 इनके, बता भाई मारो कोई बात नहीं बेटा पीट ले, आना तो आड़ा गए है, यो पानी तो पुलके नीचे का जाकर जिस दिन को डंका नेता कुर्सी पर बैठ गया, मैं लिख के दियो सारे के सारे नेता जेल में नहीं चक्की पीसे, तो मनोज राठी का नाम बदल दियो, जिस दिन कोई ईमानदार आदमी इस मुख्यमंत्री वाली सीट पा बैठा उस दिन का सबका इलाज बंद है भाई साहब, लिख लिए सारे के सारे फंसेंगे, क्योंकि माड़ ना बहुत दाब रखे है, बहुत माड़ दाब रखे है, लूट की भगा दिया ने सारा सौदा, और अत्याचार कण में उल्टे काम कण में अनका तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अंग्रेजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, सारी चीज़ हरियाणा की जनता बर्दाश्त कर लेगी, घाटा नफा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भाई बहन बेटी से तेड़बाद करें हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और मैं तो खासकर हरियाणा के युवाओं तो इस बात की अपील करूं भाई बात सुन लो, 36 जात की बहन बराबर हो, गांव गुआंड की बहन बराबर हो, आम गांव गुआंडा की बहन भी बहन मानना कड़ा जावा 10 रुपया हाथ बदर के आवा, तो उस प्रदेश और उस गांव ग्रामीण एरिए की बेटी ने को छेड़ दे और हम उसने छोड़ दिया, ये हो कौन सका, आज कुर्सी बैठे आज गनमैन ले रहे आज पुलिस ले रहे हैं, लेकिन मैं आज संदीप सिंह को बताना चाहूँ, संदीप सिंह सारी उम्र कुर्सी पावर कौन रहा है, सारी उम्र पुलिस चुगड़ता कौन रहा है, कोई बात नहीं बच जाएगा चुनाव के बाद में, जब तू गली गली हंडा हतरा बंगड़ मारने का काम भी वही लोग करेंगे, वही गाँव वाले करेंगे, मैं साफ साफ बताना चाहूँ, सरकार को भी सभी का इलाज करेंगे, और सभी से एक एक बात पूछी जाएगी कि जब हमारी बहन बेटी के साथ अड़बात हो रही तू कड़े था दुष्यंत, पूछेंगे यह बात, आज जितने भी नेता चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जाजू भाने के साथ जो नेता नहीं खड़े उसका इलाज कराया जाएगा समय आने पर भाई साहब। तो भाई पूरा मामला आप देखने लग रहे हो लगातार, मनोज राठी की राय आपने सुनी, आपने क्या लगा है पूरा मामला की अगर बात करी जाए, आज उस मामले के अंदर जो नए नए मोड़ आने लग रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि भाई जो फटे हुए कपड़ों की बात थी वो भी जो है संदीप सिंह के खिलाफ वो चीज़ गई है, क्योंकि वो कपड़े बरामद हुए हैं, भाई साहब के विचार आपने सुने, मनोज राठी जी हमेशा ही बेबाक बोलने का काम करते हैं, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर के, और आपको ये मामला अगर ठीक लगता है आपकी क्या राय है उसको कमेंट में डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खेल के अंदर जो धांधली चल रही है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।